अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रोस्टेड टोमेटो चिली गार्लिक चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए ये मज़ेदार सी चटनी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रोस्टेड टोमेटो गार्लिक चिली चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 5 हरी मिर्चें ली हैं और एक मैंने ये पूरा साबुत लहसुन लिया है। तो चलें चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए यहाँ हम एक चूल्हे पे स्टैंड रखेंगे, आप कोई सा भी स्टैंड ले लीजिए। फ्लेम ऑन करेंगे, हल्की आंच रखेंगे, इसके ऊपर टमाटर रखेंगे, और इनको हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे। ये देखें एक तरफ से रोस्ट हो गया, अब इसको चेंज करते जाएंगे, घुमाते रहेंगे। ये देखें टोमेटो चारों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो गए, अब मैं इनको निकाल लूँगी। टमाटरों को मैंने निकाल लिया है, अब हम इसके ऊपर लहसुन रखेंगे और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, साइड चेंज करते जाएंगे। देखें लहसुन और हरी मिर्चें भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं, ये देखें। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने तीनों चीज़ों को निकाल लिया है, अब इनको ठंडा करके हम छील लेंगे। ये देखें इसकी स्किन कितनी आसानी से रिमूव हो रही है। ये देखिए इसको साइड पे रख देंगे, अब बाकी सबके भी कवर उतार देंगे। लहसुन की स्किन भी रिमूव कर देंगे, ये देखें। हरी मिर्च की स्किन भी इसी तरह रिमूव हो जाएगी, देखें इस तरह से कर देंगे। ये देखें मैंने इन तीनों चीज़ों का छिलका रिमूव कर दिया है, अब हम इसको पीस लेंगे। हम इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा मोटा मोटा सा पीसेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, लहसुन, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून जितना हरा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अब हम इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें मैंने इसको पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा मैंने इसको दरदरा सा पीसा है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। मज़ेदार सी रोस्टेड टोमेटो गार्लिक चटनी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट व्यू तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।